हेलो, मैं राहुल। हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स। तो आज हम लोग का चौथा क्लास है डिटरमिनेंट्स का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक के गुणधर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो सारणिक गुणधर्म का यूज करके सॉल्व हम लोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यही प्रॉब्लम्स है जो डिटरमिनेंट्स को डिटरमिनेंट्स बनाती है। बाकी डिटरमिनेंट्स काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। बस इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए आप लोग को थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा गुणधर्म प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखेंगे और जिससे आपके सवाल सॉल्व होते जाएगी। तो आइए, आज हम लोग ये सवाल पढ़ रहे हैं, गुणधर्म का यूज करके प्रूव करनी है ना। ये बोर्ड में एक 2 मार्क्स की सवाल भी रह सकती है और एक 5 मार्क्स की सवाल भी रह सकती है। मतलब अगर आप ध्यान से 2-3 क्लास देख लेते हो तो आपको 5 या 7 मार्क्स फिक्स हो जाती है। तो ये जो सवाल है, 2 मार्क्स की भी रहती है और 5 मार्क्स की भी रहती है, और इससे ढेर सारी ऑब्जेक्टिव्स रहती है ना। तो आइए हम लोग बड़ी ध्यान से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के सवालों को, 25 सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 सवालों को अगर आप देख लेते हो ना तो फिक्स है, बोर्ड में फिक्स है, आप आराम से कर ही सकते हो सवाल को। तो हम लोग 25 सवालों को सॉल्व करने वाले, जो कि यहाँ मिल जाएगी आपको, बारी बारी से 25 सवालों को सॉल्व करेंगे और हम लोग 25 का 25 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बने रहें क्लास में, देखते हैं। 25 सवाल में से एक सवाल को मैंने नोट करके रखा है, इसे प्रूव करनी है सारणी का गुणधर्म का यूज करके। तो आइए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले बिना सोचे समझे हम LHS नोट कर लेते हैं, उसके बाद बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। तो आराम से LHS नोट कीजिए। नाउ LHS, चलिए LHS मेरा जो है कुछ ऐसा है। मेरा LHS ये है, मेरा LHS है ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। ये मेरा LHS है, बड़ी गड़ाम से आप देख सकते हो, है ना। LHS है मेरा। अब इसे सॉल्व करके हम लोग को ये लानी है, थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे, बातचीत करना बहुत जरूरी है। अब ये लाना है, सारणिक गुणधर्म का इस्तेमाल करनी है। हम लोग पास सारणिक का कितना गुणधर्म है? 7। पिछले क्लास में हम लोग सारणिक के गुणधर्म के बारे में चर्चा किए, सारणिक का कितना गुणधर्म है? 7, जिसमें से कुछ गुणधर्म काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसका यूज हमेशा लगभग हर एक सवाल में होते रहती है। जैसे कि इसमें एक मेन गुणधर्म हम लोग देख चुके हैं, किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में हम कोई भी अचर से गुणा कर सकते हैं। ये गुणधर्म था, सारणी के किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में हम कोई अचर से गुणा कर सकते हैं। अगर अचर से गुणा कर सकते हैं तो टोटल सारणी के मान में भी उसी अचर से गुणा हो जाती है। जैसे माना कि पहले सारणी का मान निकला 10, ठीक है, उसके बाद हम उसी सारणी के किसी एक पंक्ति में 3 से गुणा कर दिए, तब सारणी का मान निकले। तो पहले जो 10 निकला था अब 30 निकलेगा, क्योंकि 3 में उससे भी गुणा हो जाएगी, 10 या 30 हो जाएगी। हम इसका हम देख चुके हैं, अगर आपको लोचा है आप पिछला वीडियो में देख सकते हो। तो सारणी का ये भी एक गुणधर्म है, जी किसी भी पंक्ति में हम गुणा कर सकते हैं, स्तंभ में गुणा कर सकते हैं। जब हम गुणा कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, जब किसी सारणी के पंक्ति में स्तंभ में गुणा कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, गुणा करने की भी नौबत आ सकती है, कॉमन लेने की भी नौबत आ सकती है, डिपेंड करता है आपके सवाल पे। पहले आप सवाल को गौर करेंगे, जो हमें गुणा करने की ज़रूरत है या कॉमन लेने की ज़रूरत है, नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी उपयोगी है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, गुणा करना या कॉमन लेना, ठीक है, नंबर 2। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ना या घटाना, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ना या घटाना है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं 10th क्लास में, 10th क्लास के इक्वेशंस को हम लोग हल करते थे, तो x + x + 2y = 6 एक इक्वेशंस है ना। और यहाँ पे 3x + 6y, 3x + 5y ले लेते हैं बराबर 10, समीकरण 2। और इस समीकरण को हल करनी है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ भी सकते थे, घटा भी सकते हैं, लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3x है तो हमें इसे भी ने 3x करनी पड़ती है। मतलब हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे लेकिन 3 से गुणा करने के बाद, ये ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे 3 से गुणा करने के बाद। तो हम इसको कह सकते हैं, जी किसी भी पंक्ति, सॉरी किसी भी समीकरण में किसी दूसरे समीकरण को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जिस चीज़ों से गुणा करने की ज़रूरत पड़े उससे। तो उसी टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पंक्ति स्तंभ पे करते हैं, इसी टाइप की चीजें हम लोग यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ पे यूज करते हैं, समझ रहे हो ना। तो आइए, किसी
किसी भी पंक्ति पहला कॉन्सेप्ट है, किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में दूसरे पंक्ति स्तंभ को जोड़ा या घटाया जा सकता है गुणा करने के बाद। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, कॉमन लेना और जोड़ना घटाने वाली चीज़ें, ये बहुत ही उपयोगी है। इसी का यूज ज़्यादा मात्रा में सवालों में करेंगे। चलिए जितना ज़्यादा सवाल देखेंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो एक सवाल हमने नोट करके रखा है, ये वाला देखिए ध्यान से। इसका LHS है, हमें लाना क्या है, 4A² B² C² पहले बता चुके हैं। पहले आप सोचोगे LHS उतारने के बाद जो हम क्या कर सकते हैं ताकि मेरा RHS आए। रूल्स है, कॉमन भी ले सकते हो, गुना भी कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। चलिए सोचिए क्या करेंगे। कॉमन लेने का रूल्स क्या है, कॉमन हम तभी ले सकते हैं जब सारा का सारा आइटम मैच कर जाए, मतलब कोई आइटम सभी पंक्ति के हरे कब्बे में मैच कर जाए। तो गौर से देखिए, हमें 4A² B² C² लानी है। ध्यान से देखिए, आपको नहीं लग रहा है, गौर कीजिएगा कि ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। आपको गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा देखिए R1 है, प्रत्येक R1 में A है, प्रत्येक R2 में B है, प्रत्येक R3 में C है। आपको गौर कीजिएगा, R1 में A है जो कि सब में है, R2 में B है, R3 में C है। इसका उल्टा C1 में भी देख सकते हो, C1 में A, सब में A है, C2 में सब में B है और C3 में सब में C है। तो आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो R1 से A कॉमन ले सकते हैं या तो C1 से A कॉमन ले सकते हैं, अंतर कुछ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना। कभी कभी हम लोग को एक सवाल को बनाने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस रहता है ना, किसी भी चूज करो, किसी भी ऑप्शंस को पकड़ के आप आगे निकल सकते हैं। देखिए हम लोग R1 से A कॉमन ले सकते हैं, R2 से B और R3 से C कॉमन लेते हैं। पहले कॉमन ले लेते हैं, बाद में सोचा जाएगा जो सवाल हमें कहाँ ले जाती है, आइए बात कर लेते हैं। तो आइए कॉमन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 से A कॉमन लेंगे तो A बच जाएगी, इससे B, R2 से B लेंगे, B इससे C लेंगे, मतलब ABC कॉमन एक साथ हो जाएगी ना। हो चलिए ABC कॉमन लेना बचा क्या, R1 से अगर A कॉमन यहाँ से A ले रहे हैं तो माइनस A बचेगी, यहाँ से भी A ले रहे हैं तो B बचेगी, यहाँ से भी A ले रहे हैं तो C बचेगी। चलिए R1 से A कॉमन हो गया, R2 से B लेना है तो B ले लिए फिर A बचेगी, B ले लिए माइनस B बचेगी, बी ले लिए फिर सी बचेगी, फिर R3 से सी लेना, सी ले लिए ए बचेगी, सी ले लिए बी बचेगी, सी ले लिए माइनस सी बचेगी। R1 R2 R3 से कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद सवाल दिख रहा है आपको, बिना सोचे समझे पहले आप एक स्टेप बढ़ाए। आप ये सोचोगे, कोई भी बंदा सोचता है जो हम एक ही बार में सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होती है। अगर एक ही बार में बंदा जो सवाल सॉल्व करने की कोशिश करता है, गलती होता है, छोड़ देता है, मतलब वो बंदा सोचता है ज़्यादा है, करता है कुछ नहीं है। तो आप बस सिर्फ सवाल का एक रूल्स होती है, पहले आप एक स्टेप बढ़ा दें। अगर आपसे एक स्टेप बढ़ रही है ना तो समझ जाइए आधा सवाल आप सॉल्व कर लिए। चलिए एक स्टेप बढ़ा दिया, अब अगला स्टेप को देखिए गौर से। फिर सेम टू सेम चीज़ें, कॉमन लेना है, गुना करनी है। गौर देखिए, आपको साफ दिख रहे होंगे जो अब C1 में A है, C2 में B है और C3 में C है। तो फिर से वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे, फिर C1 से A कॉमन लेते हैं, C2 से B और C3 से C। तो एक A तो है, फिर एक कॉमन लेंगे तो A² हो जाएगी, एक B है, एक B कॉमन लेंगे तो B² बच जाएगी, C² बच जाएगी। C1 से माइनस एक, एक और एक, यहाँ से B कॉमन ले रहे हैं तो एक माइनस एक और एक, यहाँ से C कॉमन ले रहे हैं तो एक एक और माइनस एक। ये बचा हम लोगों को कॉमन लेने के बाद की प्रक्रिया। बस देखिए हमें लाना है 4A² B² C², हमें ये लानी है। अब देखिए A² B² C² तो आ गया, हमें चाहिए क्या, 4। अब जैसे 4 आया, अभी भी आप प्रसरण नहीं करो, देखिए ध्यान से, अभी भी आप प्रसरण रूल्स के खिलाफ है, अभी भी आप प्रसरण मत कीजिए। प्रसरण आप तभी करेंगे जब 2 जीरो कम से कम आ जाए, प्रसरण आप तभी करें जब आपको 2 जीरो आ जाए। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे, अभी आप बिल्कुल प्रसरण ना करें, प्रसरण तभी करेंगे जब 2 जीरो आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है जो सारणी के गुणधर्म का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो प्रसरण अभी भी ना करें, कम से कम 2 जीरो आनी चाहिए, क्योंकि आदत बनी रहेगी आपको 2 जीरो लाने वाली, क्योंकि हम 25 सवालों को सीरीज है ना हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया से, अभी एक सवाल है काफ़ी बेसिक्स है। तो चलिए अभी भी प्रसरण ना करें। अब देखिए इसके बाद हमें 2 जीरो लानी है, प्रसरण आप तब करोगे तब 2 जीरो आएगी, हमें 2 जीरो लानी है। तो चलिए 2 जीरो कैसे आएगी, ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो आएगी। देखिए ध्यान से, अभी तक हम लोग कौन गुणधर्म का इस्तेमाल किए हैं, कॉमन लेना, सिर्फ कॉमन लेने का इस्तेमाल किए हैं। क्लास के स्टार्टिंग्स में हम लोग ये बात किए थे जी, एक गुणधर्म ये भी होती है जी, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आइए आप गौर कीजिए, अब R1 को देखिए और R2 को देखिए, आपको लग रहा है अगर R1 और R2 को जोड़ते हैं तो ये माइनस एक प्लस एक कट के 0 हो जाएगी, ये भी कट के 0 हो जाएगा और ये एक और एक 2 हो जाएगी, मतलब कुल मिला के यहाँ वाला आइटम 0 हो जाएगा, यहाँ वाला आइटम 0 हो जाएगा, यहाँ वाला आइटम समथिंग हो जाएगी, मतलब 2 जीरो तो हमें मिल रही है ना, हो है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संक्रिया इस्तेमाल करते हैं, R1 पे एक संक्रिया करेंगे,
R1 पे हम एक संक्रिया करेंगे और R1 में ही R2 को जोड़ देंगे। R1 पे संक्रिया करेंगे, R1 में R2 को जोड़ देंगे। इसका मतलब होती है R1 R2 को जोड़ के कहाँ लिखना है? R1 पे। मतलब ये R1 R2 को जोड़ने के बाद जो आएगी ना उसे कहाँ लिखना है नया चीज़ों को? R1 पे। इसी को कहते हैं R1 पे संक्रिया हो रही है और R1 R2 को जोड़ा जा रहा है। मतलब R1 और R2 को जोड़ने के बाद जो नई चीज़ें पैदा होगी उसे हम R1 पे लिख देंगे। समझ रहे हो ना? चलिए तो संक्रिया कर लेते हैं। जैसे संक्रिया करेंगे तो सवाल काफ़ी इजली हो जाएगी। थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग नहीं नहीं यहीं पर लिख लेते हैं थोड़ा सा बराबर। देखिए हम लोग को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रही है ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखने के बाद देखिए क्या बचने वाली है। अगर R1 R2 को जोड़ते हैं यहाँ पे कितने हो जाएगी? 0 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए R1 R2 कुछ नहीं करेंगे, 1 -1 1 1 1 और -1 बस। बस 1 1 -1 एक कंडीशन से। अब तो 2 0 आ गई ना, अब 2 0 आ गई। अब आप क्या करो, अब 2 0 आ गई R1 में। पिछले क्लास में हम लोग ये भी देख चुके थे, हम पर्सन और उस पंक्ति को के लिए पकड़ के करते हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में 0 हो। तब किस में ज़्यादा 0 है? R1 में ज़्यादा 0 है। तो हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। हम अब R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। जैसे R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है ही नहीं है, और देखिए आपको क्या बचने वाली है, ये भी 0 ये भी 0। तो प्रसरण करते हैं तो 2, ध्यान से देखने वाले वहाँ प्रसरण करते हैं तो देखो 2। अब 2 वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे तो कितना बचेगा? 1 1 1 -1 और -1, मतलब +1 हो रही है। अब गौर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 4, आपको 4 a² b² c² दिखेगा। थोड़ा मैनेज कीजिएगा, जगह की कम पाई दिख रही थी इसलिए थोड़ा सा काम कर लिए। अब देखिए 4 a² b² c² आ गए हम लोग। मतलब कुल मिलाकर के एक स्टेप से सबसे पहले गुणधर्म का प्रयोग करके सवाल को वहाँ पर ले जाए जहाँ पर 2 0 आ जाए। गुणधर्म का प्रयोग तब तक करते रहे जब सवाल में 2 0 दिख जाए। जैसे 2 0 दिखेगा आप किसी भी पंक्ति और स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कर लीजिए, आपको आपकी RHS आ जाएगी। ये सुनने में काफ़ी आसान नहीं लग रही है, लेकिन जैसे आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी। इसीलिए हम आपको सवाल पे पकड़ बनाने के लिए, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने के लिए, आपका डिटर्मिनेंट्स को ठीक करने के लिए 25 सवालों का कलेक्शंस दिया गया। हम बारी बारी से 2-4 क्लास लगेगी, बारी बारी से 2500 सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप एक 2 मार्क्स की और एक 5 मार्क्स की सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और ऊपर से आपके डिटर्मिनेंट्स पे पकड़ बन जाएगी। समझ रहे हैं ना? चलिए तो इससे रिलेटेड हम लोग 25 प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। अब हम एक दूसरा 25 प्रॉब्लम्स को देखने वाले जो कि दिख रहे हैं आप लोगों को, बारी बारी से 2500 प्रॉब्लम्स दिख जाएगी। तो आज हम लोग का दूसरा प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अब जाइएगा मत, एक प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं। दूसरा मेरा प्रॉब्लम्स ये है, 1 1 1 a b c a² b² c² ये रहा, फिर इसका RHS है a - b b - c c - a। ध्यान से देखने वाले हैं। चलिए ये रहा मेरा एक दूसरा प्रॉब्लम्स, दिख रही है आप लोगों को बाकी की चीज़, इसे सॉल्व कर लेते हैं बिना सोचे समझे। हम सबसे पहले LHS को नोट करते हैं। LHS को नोट करने के बाद हम बातचीत करना स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए 1 1 1 a b c a² b² c² चलिए ये मेरा LHS है, लाना है हम लोग को ये RHS, a - b b - c c - a। सिंपल सा फंडा है, कॉन्सेप्ट का यूज करनी है। सोचना आपको ये है, कॉमन लोगे कि जोड़ो घटाओगे, आपको लानी है RHS। प्रसरण अभी नहीं करनी है, क्योंकि प्रसरण तभी कर सकते हो जब 2 0 आ जाएगी। सिंपल सा, हर एक सवाल में इस चीज़ों को नहीं भूलें, पहले कॉमन लें उसके बाद सोचें जो जोड़े कि घटाएं कि कॉमन लें। अंततः कॉमन हो जाए, सवाल छोटा हो जाए, उसके बाद 2 0 करिए, तब जा करके प्रसरण कीजिए। देखिए स्टार्टिंग कीजिए, कॉमन लीजिए, नहीं तो 2 0 करवाइए। 2 0 करवाने के लिए जोड़ना घटाना पड़ सकती है। देखिए गौर से, क्या कॉमन हो जाएगी?
मुझे तो नहीं दिख रहा है कॉमन हो जाएगा, कॉमन होने के लिए सेम टू सेम होना चाहिए, इसमें एक है, इसमें ए है, इसमें ए स्क्वायर है, चलो ये दोनों में तो कॉमन ए हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रहता तब ना, कॉमन नहीं हो रही है, कॉमन नहीं हो रही है तो दो जीरो करवाना है ना। चलिए ध्यान दिए, दो जीरो कैसे होगी, दो जीरो कैसे होगी, सोचिए थोड़ा सा, सोचा गया, एक एक एक, सी वन का टोटल अवयव एक है, आर वन का एक, आर टू का एक, आर थ्री का एक, आपको नहीं लग रहा है अगर हम आर वन और आर टू को घटा दे, अगर हम आर वन और आर टू को घटा दे या आर टू को आर वन घटा दे तो ये तीनों घट के जीरो हो जाएगी है ना, फिर आर टू को आर थ्री से घटा दे तो यहाँ भी यहाँ घट के जीरो हो जाए, मतलब हम लोग को दिख रहा है जो दो जीरो मिल रहे हैं हम लोग को, अगर हम आर वन में से आर टू को घटाएं तो आर वन में से आर टू को घटाएं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, आपको नहीं लग रहा है, तो अगर हम आर वन में से आर टू को घटा दे तो एक जीरो तो बन जाएगी यहाँ पे, फिर आर टू में से आर थ्री को घटा दे तो यहाँ भी जीरो बन जाएगी, मतलब दो जीरो तो बन रहे हैं हम लोग को, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, आर वन पे संक्रिया करते हैं और आर वन में से आर टू को घटा लेते हैं एक संक्रिया, फिर आर टू पे संक्रिया करते हैं, आर टू में से आर थ्री को घटा लेते हैं, चलिए एक संक्रिया कर लेते हम लोग, यहीं पे संक्रिया कर लेते ध्यान से, सबसे पहले हम लोग आर वन पे संक्रिया होगा और आर वन में ही घटाने वाले किसको, आर टू को, ये एक मत संक्रिया है, फिर आर टू पे संक्रिया हम लोग करते हैं आर टू पे और आर टू में से ही आर थ्री को घटाते हैं, ये भी एक संक्रिया, ये भी एक संक्रिया, एक बार में हम दो संक्रिया किए, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो कर देंगे, यहाँ पे एक जीरो कर लेंगे, तो चलिए ये संक्रिया इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए आर वन में से आर टू को, संक्रिया का मतलब क्या है, इस संक्रिया का मतलब क्या है, जो आर वन में से आर टू को घटा के जो आएगी उसे आर वन पे रखेंगे, इसमें आर टू में से आर थ्री को घटा के जो आएगी उसको आर टू पे रखेंगे, तो चलिए आर वन पे पहले काम कर लेते हैं, पहले आर वन पे क्या रखा जाएगा, आर वन पे आर वन में से आर टू घट करके, तो एक में से घट करके क्या आ जाएगी जीरो, ए में से बी घट के क्या आ जाएगी ए माइनस बी, इसमें से इसको घट के कितना हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो फिर अब आर टू में से आर थ्री को घट के कहाँ पे चला जाएगा आर टू पे, एक में से एक घट के क्या आ जाएगी जीरो, बी में से सी को घट के बी माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब सिर्फ हम आर वन पे संक्रिया कर रहे हैं आर टू पे संक्रिया कर रहे हैं, आर थ्री को कुछ नहीं कर रहे, तो आर थ्री को जो करता हूँ लिख लेते हैं एक सी सी स्क्वायर, हो गई काम मेरा, उसके बाद सोचिए दो जीरो आ गई, प्रसरण हम कर सकते हैं, अब दो जीरो आ गई प्रसरण कर सकते, लेकिन प्रसरण करने से पहले सोचिए ना भाई, जितना ज़्यादा छोटा, जितना छोटा आपका डिटर्मिनेंट्स होगा उतना आसानी से प्रसरण हो गई, तब सोचिए आपको नहीं लग रहा है अब कॉमन हो जाएगी, आर वन को देखिए और आर टू को देखिए, आर वन को देखिए, देखो जीरो में सब कुछ रहता है, जीरो में दुनिया का हर एक चीज़ छुपा रहता है, जैसे जीरो है तो क्या जीरो में पाँच गुना में नहीं है, हाँ है, क्योंकि पाँच गुने जीरो बराबर जीरो, तो ध्यान रखिएगा जीरो में सब कुछ गुना में चिपका हुआ रहता है, जो मन सो खींच लो, कि किसी में अगर हम जीरो में किसी से गुना करते हैं तो जीरो बन जाती है, तो जीरो में सब कुछ छिपा हुआ है ना, हो तो हम जीरो में से खींच लेते हैं, तो इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए सो, ए माइनस बी इसमें है, इसमें भी ए माइनस बी है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी होती है ना भाई, तो इसमें ए प्लस बी भी है ए माइनस बी भी है, हम ए माइनस बी यहाँ भी दिख रही है ए माइनस बी यहाँ भी दिख रहे, तो हमें नहीं लग रहा है ए माइनस बी इसमें है, तो जीरो में भी है, तो ऊपर में आर वन से हम क्या कॉमन लेते हैं ए माइनस बी, अब आर टू से हम लोग क्या कॉमन लेंगे बी माइनस सी, क्योंकि बी माइनस सी में बी माइनस इसमें, इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग बी माइनस सी, चलिए कॉमन ले लिए आर वन से ए माइनस बी, आर टू से बी माइनस सी कॉमन लिए, थोड़ा तो छोटा होगा ना, क्योंकि कॉमन लेने से सवाल छोटा होती है, तो बचा जीरो, ए माइनस बी कॉमन लिए तो एक, यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी बचा, अब देखिए यहाँ पे जीरो, बी माइनस सी कॉमन ले लिए एक, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, माइनस वाला ले लिए तो प्लस वाला बी प्लस सी, और यहाँ बचा एक सी और सी स्क्वायर, सवाल छोटा हो गई, देखिए तो गौर से आपको लग रहा है ना, लाना क्या है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हमें दो आइटम्स तो आई गई ना, बचा क्या सी माइनस ए, अब देखिए आपका सवाल प्रसरण करने लायक है, दो जीरो भी आ गई है, सवाल छोटा भी आ गया है, और प्रसरण करने से ये सी माइनस ए वाला टर्म तो आ ही जाएगा, तो आराम से आप किसी का अनुदिश प्रसरण कर लीजिए, उसके अनुदिश प्रसरण करें जिसमें ज़्यादा मात्रा में जीरो हो, तो सी वन का अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं, आराम से लिखेंगे सी वन के अनुदिश, सी वन के अनुदिश प्रसरण करने पर, सी वन के अनुदिश प्रसरण करने पर, आराम से सी वन का अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं, तो ए माइनस बी तो है, बी माइनस सी भी है, और सी वन के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं, तो देखिए जीरो ये भी जीरो तो एक,
एक एकम एक, अब एक वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेते हैं, तो एक में बी प्लस सी से गुना होगा, तो बी प्लस सी, फिर माइनस, फिर एक में ए माइनस बी, ए माइनस बी गुना हो गई। आगे बढ़ाइए आप, ए माइनस बी तो दिख रही है, बी माइनस सी भी दिख रही है। अब देखिए जैसे इसको क्रॉस काटेंगे खोटेंगे, इस वाले सिस्टम को हल करेंगे, एक से गुना होकर अगर कुछ तो बचेगा नहीं, देखिए यहाँ पे ए सॉरी बी और बी कट जाएगी, तो क्या बचेगा, सी माइनस ए, इसे हल करोगे आपको मिल जाएगी सी माइनस सी। देखिए आपके आड़े चेस आ गए, बड़ी आराम से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको दो फायदा होगा, एक सवाल सॉल्व हो जाएगा, ऊपर से गुंधन पे पकड़ बनेगी, जैसे गुंधन पे पकड़ बनेगी ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर है। तो ये रहा दो सवाल, आज की क्लास में हम लोग दो सवाल देखे, बाकी के सवाल हम देखते रहेंगे, ढेर सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी, आप क्लास में बने रहें, धन्यवाद।